Estimate the minimum potential difference needed to reduce Al2O3 alumina at 500 degree centigrade. तो यहाँ पर ये रिएक्शन दी है और यहाँ पर डेल्टा जी दिया है, यहाँ पर दिया है डेल्टा जी इज 960 किलो जूल। तो गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला है, गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो कि वर्क डन के लिए अवेलेबल है, और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, f यहाँ पे फेराडे कांस्टेंट है 96500 कूलाम, और e नॉट सेल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पर यही पूछा गया है क्योंकि उसने पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो एक ही बात है, हमें यही यहाँ पर निकालना है। अब ई नॉट सेल ये तो वोल्ट में निकलेगा, तो ये जो डेल्टा जी है ये किलो जूल में दिया है, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, जूल में। तो यहाँ डेल्टा जी पुट करो 960, ये किलो जूल में दिया है तो इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डेल्टा जी आ गया जूल में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है n, तो इसमें n कैसे निकालना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस पूरे केस में क्या होंगे। ये इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, और इस रिएक्शन में ये जो एल्यूमिनियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। Al2O3 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहां पर दो एल्यूमिनियम है तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +3 × 2, और इसके मोल कितने हैं 2/3, तो इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं। एक एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, दो एल्यूमिनियम पर +6, और +6 × 2/3, तो यहां पर ये इस तरीके से हो जाएगा, तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहां 4। एल्यूमिनियम ने 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर Al+3 से ये एल्यूमिनियम बना है। अब देखो इस पे टोटल ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी +4, 2/3 मोल ऑफ Al2 में ऑक्सीडेशन स्टेट आई +4, और यहां पर 4/3 Al में ऑक्सीडेशन स्टेट आई 0, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन इतने एल्यूमिनियम ने लिए, ठीक है, तो n आ गया 4, तो -4 फिर 96500 इंटू ई नॉट सेल, तो ये ई नॉट सेल हमें निकालना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1212 965 960 डिवाइडेड बाई 965, ऊपर 10 है 10 रहने दो, नीचे 4 है, यहाँ 4 ले आओ, यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ई नॉट सेल, इसको सॉल्व करते हैं 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 0 एंड 0, 965 ऑलमोस्ट 2 point something आएगा, तो इसका आंसर अराउंड -2.5 volt के आसपास आएगा। तो यहाँ पर ई नॉट सेल जो होगा, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो -2.5 volt होगा।